सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन कायदा। इस कायदे को हम पूरे हाथ का कायदा भी बोलते हैं। तो इस एक ही कायदे में 6-7 प्रकार की लगियां भी छिपी हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड तक आते आते बताऊंगा। पूरी वीडियो में बने रहिए। तो आइए कायदा स्टार्ट करते हैं। कायदे के बोल हैं, ये है कायदा। इसको विस्तार से देखते हैं। धा टिट टिट, धा टिट पूरे हाथ से मैं बजा रहा हूं, टिट टिट, धा टिट टिट गिड़ धिन नाना किट, धा टिट टिट गिड़, आखिरी वाली दो फिंगर से आप बजा सकते हैं, धा टिट टिट डग्गा। आप कोशिश कीजिए कि एक के बाद एक उंगली से बजाएं। तो बोल शुरू से देखते हैं। धा तिट तिट गिड़ धिन नाना किट, नाना किट पूरे हाथ से भी आप बजा सकते हैं, क और एक फिंगर से भी बजा सकते हैं, क्योंकि ये कायदा बहुत तेज लय पे बजता है, एक बहुत ही अच्छी टेम्पो पे बजता है। बोल शुरू से देखते हैं। धा तिट तिट गिड़ धिन नाना किट, धाती गिन धिन धा है। डग्गा एक के बाद एक चल रहा है, और न वाले जितने भी बोल हैं वो लास्ट फिंगर दो फिंगर से भी बजा सकते हैं या रिंग फिंगर से भी बजा सकते हैं। जो ना वाले बोल हैं गिन ना, वो किनार पे बजेंगे। जो न वाले बोल हैं वो तीसरी फिंगर से बजेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा है, आपको याद रखने में आसानी होगी। जो सिर्फ न वाले बोल हैं वो तीसरी फिंगर से बजाइए, जो ना वाले बोल हैं वो पहली फिंगर से किनार पे बजाइए, ठीक है। तो बोल शुरू से देखते हैं फिर से। धा नाना किट धाती गिन धिन धाती गिन तक धिन नाना किट, तक बोल नहीं है ये, त ग बोल है, त ग, त को पूरा फिंगर अंगूठे के साथ रख के पहली फिंगर से यहाँ किनारे पे दबाना है, हाथ को पूरा स्याही पे रखना है और पहली फिंगर को दबाना है, तो एक क्लिक की साउंड आएगी, त ग धिन नाना किट। पूरा बोल देखते हैं। धा किट किट गिड़ नाना किट, धाती गिन धिन धाती गिन तक धिन नाना किट। और इसका दूसरा पल्ला है, गिड़ ना ग किट किट धिन नाना किट, गिड़ गिड़ तीसरी फिंगर से दबाना है, गिड़ ना ग गिड़ ना ग गिड़ ना ग किट किट गिड़ ना ग किट किट धिन नाना किट। दूसरा पल्ला देखते हैं शुरू से, गिड़ ना ग कायदे का विस्तार एक खाली और भरी के साथ होता है। तो इसका भरे वाला पोर्शन है, उसको उसमें आप जितना डग्गा ऐड करेंगे वो बोल उतना ही बड़ा सुनेगा। ता तिट तिट गिड़ तिन नाना किट, ताती किन तिन ताती किन तक तिन नाना किट, गिड़ ना ग तिट तिट गिन नाना किट, ताती किन तिन ताती किन तक तिन नाना किट। पूरा कायदा देखते हैं शुरू से लेके आखिर तक। तो मैं एक स्लो टेम्पो पे आपको बजा के दिखा रहा हूं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन ना ता, धा तिट तिट गिड़ धिन नाना किट, धाती गिन धिन धाती गिन तक धिन नाना किट, गिड़ ना ग तिट तिट धिन नाना किट, धाती गिन धिन धाती गिन तक धिन नाना किट, धा तिट तिट गिड़ धिन नाना किट, ताती गिन धिन ताती गिन तक धिन नाना किट, गिड़ ना ग तिट तिट धिन
कायदे को मैं नीचे भी लिख के आपको बता रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी उसको पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको ये ओपिनियन दूंगा कि आप एक नोटबुक लीजिए, उस पर इसको अपने हाथ से लिखिए, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए, उतारिए, अपनी जो भी भाषा आप बोलते हैं लिखते हैं उस भाषा में इसको लिखिए, और इसको बार बार देख कर बजाइए। तो जब एक एक बोल आप देख कर बजाएंगे तो आपको जल्दी याद होगा, और इसको याद करना ही सबसे मुश्किल पार्ट है। याद होने के बाद बजाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कायदा देखते हैं शुरू से, मैं एक अच्छी टेम्पो पे बजाने की कोशिश करता हूँ। तो ये था कायदा। इस कायदे के मैं पलटे भी आपको बता देता हूँ। पहला पलटा है का दूसरा पलटा है का तीसरा पलटा है प्रकार आप अपने भी पलटे बना सकते हैं। ये कोई पर्टिकुलर, इसमें कोई भी नियम नहीं होता, कोई भी रूल नहीं है कि हमें यही पलटे बजाने हैं। आप अपना भी डिजाइन कर सकते हैं। हर एक कायदा एक पोइम के जैसे होता है, एक जैसे हम कविता लिखते हैं, सुनते हैं, है ना, इसको एक कॉम्पोजिशन वैसे ही बनती है। तो जो मुख्य कायदा है उसके बोलों को मिलाकर आप इसके पलटे बना सकते हैं। इस कायदे को मैं एक बार पूरा शुरू से लेकर आखिर तक आपको बजा के सुनाता हूँ।
था आज का कायदा। इस कायदे को बजाने के साथ साथ आप कौन सी लगियों में एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। इस कायदे में जो मुख्य बोल हैं गिड धिन नाना किट, वो एक बहुत ही अच्छी वाली लगी के रूप में सामने आ सकता है, तो आइए देखते हैं। हरवे के साथ इसको देखते हैं। अब दूसरी लगी देखते हैं। अब इसमें एक बोल है धाति गिण मैंने एक छंद की भी वीडियो बनाई है, ये वैसे ही बोल है धाति गिण तिन धाति गिण तक तिन नाना किट। तो अब धाति गिण तिन धाति गिण को उठाकर भी हम एक लगी या एक छंद का रूप देके उसको लगी का प्रकार बना सकते हैं, तो कहरवे में देखते हैं। ये हो गई दूसरी लगी। अब तीसरी लगी देखते हैं। अब इसके दूसरे पल्ले का बोल है गिड़नाग तिट तिट। अब गिड़नाग को उठाकर हम एक लगी बना सकते हैं, बोल है गिड़नाग तिट तिट, हम बजाएंगे गिड़नाग तिट तिट गिड़नाग। ये हो गई तीसरी लगी। अब देखते हैं चौथी लगी। इस कायदे का पहला बोल है धा तिट तिट गिड़ तिन नाना किट तक धा तिट तिट गिड़ तिन नाना किट तक। इस बोल को उठाकर भी हम एक लगी बना सकते हैं, आइए देखते हैं। धा तिट तिट गिड़ तिन नाना किट तक किट तक किट तक, आखिर में किट तक लगाने से ये एक लगी का रूप ले लेगा, आइए देखते हैं। तो ये था आज का लेसन। इस कायदे का अच्छे से रियाज कीजिए, ये कायदे के साथ साथ ये सारी लगियां भी आपके हाथ में आ जाएंगी। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, तो आप अपने ओपिनियन भी मुझे कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी नए दोस्त मेरी वीडियो पे जुड़ रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो समय पर आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।